हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आपको मैं बता देता हूं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं सिंगापुर में, क्या किसी भी देश की बात करें तो जो सैलरीड पर्सन की लाइफ कैसी होती है, उसके बाद आपको मैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा किस तरह से सैलरीड पर्सन की लाइफ चलती है। सैलरीड पर्सन की लाइफ चलने का मतलब क्या है, देखो विदेशों में हम लोग काम करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सच है। विदेशों हमारे को 1 से 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, बिल्कुल सच है। लेकिन क्या सैलरीड पर्सन बहुत अमीर हो जाते हैं विदेश में जाके, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप विदेश जाने का सपना रखते हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं और पहली बार ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है आपको। यहाँ पर सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोशिया, बुल्गेरिया, बहुत सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको यहाँ पर एजेंसीज की डिटेल के साथ साथ आपको बहुत सी ऐसी फ्री वैकेंसीज भी मिलेगी जो मिडिल ईस्ट में आपको जॉब दिला सकती है। अब बात करते हैं, अगर आप 10-15 हज़ार रुपये इंडिया में कमा रहे हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप विदेश जाके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, ये बात सच है। लेकिन विदेश जाने के लिए आपको फ्री वैकेंसीज़ की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और आपको क्योंकि फ्री वैकेंसी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिडिल ईस्ट वगैरह में होती है, ओमान, कतार। अगर आपके पास वहाँ का भी एक्सपीरियंस है तो वहाँ से आप यूरोप जा सकते हैं। अब सैलरीड पर्सन के ऊपर बात करता हूँ, तो सैलरीड पर्सन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर 1 लाख रुपये मिल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। देखो ऐसा होता है, अगर विदेश में बंदा डॉलर्स में कमाता है, ये बात सच है, अगर डॉलर्स में कमाता है तो डॉलर्स में खर्च भी होते हैं, लेकिन 100 में से 90% लोगों की सेविंग्स नहीं होती। अब वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके कुछ फैमिली रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 10% लोग जो विदेश जाते हैं वो सैलरी जो कमाते हैं उसको फैमिली में भी नहीं यूज़ कर पाते। कुछ लोग, देखो ऐसा होता है, विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और हमारे लोगों की 90% लोगों की जो नीड्स है फैमिली की पूर्ति करने में हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, 10% लोग ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी सैलरी सेव करते हैं, उनको घर में भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है। लेकिन 90% लोगों के साथ क्या होता है, सैलरी आती है और फिर 5 को सैलरी आएगी, 6-7 तक वो अपने देश में भेज देंगे और फिर उनके हाथ में 200-300 डॉलर्स बचेंगे जो अपने खर्चे के लिए होते हैं। तो मोस्टली सैलरीड पर्सन की लाइफ इस तरह से चलती है। कुछ लोगों की लाइफ इस तरह से है जो भाई 5 साल से 10 साल से कमा रहे हैं, वो 1 रुपया भी विदेश में अपने घर में नहीं बेचते, सारी की सारी सेव्स करते हैं। तो ये 10% लोगों के साथ है। तो सैलरी पर्सन की लाइफ ऐसा मत सोचो कि विदेश में हर कोई जा रहा है, हर कोई पैसे बचा रहा है, पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन 90% लोगों की जो सेविंग्स है वो अपने घर के ऊपर खर्च हो जाती है, इस चीज़ को भी समझो। 10% लोग हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सैलरी आती है, घर में भेजो ना भेजो उनकी पूर्ति हो जाती है क्योंकि उनके पास घर में अदर सोर्स है इनकम के, तो वो चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ नहीं होती। तो ये चीज़ आपको खुद को डेवलप करनी है कि अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रोसेस भी करें कि आपकी सैलरी सेव हो और कुछ एक्स्ट्रा इनकम से आपके घर की रोजी रोटी चल सके। लेकिन लोग नहीं करते क्योंकि विदेश में जाते हैं, सैलरी आती है, फिर वो सैलरी अपने घर में भेजते हैं, उस घर के जो घर में भेजते हैं पैसे खत्म हो जाते हैं, कभी ये होता है कभी वो होता है, घर बनाना होता है, रिपेयर करना होता है, एजुकेशन में माँ बाप के बीमार वगैरह पड़ जाते हैं, पढ़ाई में बच्चों के लग जाते हैं, तो उससे सैलरीड पर्सन जो काम करता है 10-15 साल उसमें सेविंग्स नहीं होती, लेकिन कुछ की हो जाती है। तो सैलरीड पर्सन की लाइफ हर किसी की एक जैसी नहीं होती, ये आपको खुद को देखना है कि हम किस तरह से अपने पैसों को बचा के इन्वेस्ट करना है और कुछ सीखना है। आई होप सो आपको कुछ समझ में आ गया। तो सैलरीड पर्सन की लाइफ, आप सोच रहे होगे 1 लाख 2 लाख रुपये कमा रहे हैं तो ये बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएगा। भाई 2 लाख रुपये भी अगर आपकी सैलरी है तो करोड़ रुपया सेव करने के लिए आपको 15 साल लगेंगे ही लगेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching this video.